सो है YouTube फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और आज जा रहे हैं हम अल्मोड़ा हमारे मामा जी घर पे, बिकॉज कल है रक्षाबंधन राखी और हम हर बार जाते हैं राखी पे हमारी दीदी के पास, आपने देखा ही होगा। तो हाँ, इसलिए जा रहे हैं। तो 2 या 3 दिन वहाँ पे रहेंगे और फिर हम जाएंगे गाँव हमारे बाबू और अम्मा के पास, मतलब दादा और दादी के पास। तो वो आप देखना, मिलवाएंगे आपको उनसे। बाकी फिलहाल यहाँ पे आए थे करने के लिए वर्कआउट, जो कि हो चुका है। तो चलो अब चलते हैं घर पे और निकलते हैं अल्मोड़ा के लिए। और बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ बैठी है हमारी प्यारी बिल्ली पिल्लू, कितनी प्यारी है ये देखो। और गाइस, ये रहा हमारा घर जो कि अभी बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। अभी यहाँ पे लेंटर डाला है ना, तो इसलिए पानी यहाँ पे रहना जरूरी है, तभी ये लेंटर मजबूत हो पाएगा। तो इसलिए देखो, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है चारों तरफ। तो अराउंड 1 हफ्ता यहाँ पे ये पानी रहेगा, फिर उसके बाद होगा काम शुरू और फिर यहाँ रूम बनेंगे देखो सबके। बाकी बहुत ही खुशी हो रही है अंदर से कि फाइनली हमारा घर बन रहा है, ये देखो भाई। तो चलो अब चलते हैं, हमको जाना है आज काफी दूर, 4 या 5 घंटे का रास्ता है अल्मोड़ा का। जय माता की। और गाइस ये देखो, यहाँ पे है ये गेम, इसको हम बोलते थे बचपन में फिट टू, हरियाणा में बहुत खेला ये बचपन में बहुत ज्यादा। ऐसे एक टांग से 2 फिर 1 फिर 2 गाइस आप बताना खेला आपने ये, और आप इस गेम को क्या बोलते थे, मतलब क्या बोलते हो, जो भी है तो बताना मुझे कमेंट में। हम तो फिट टू बोलते थे, फिट टू। तो घर पहुंच चुके हैं। अरे गाइस, कुनाल स्कूल के लिए रेडी हो चुका है ये देखो, और गाड़ी चला रहे सुबह सुबह। क्यों चला रहे सुबह सुबह गाड़ी? मैं गाड़ी से स्कूल जा सकता हूँ? नहीं, आप बहुत छोटे हो, अभी नहीं जा सकते आप। गाइस क्या कह रहे हैं, देखो जाना है इससे स्कूल, अभी आप बहुत छोटे हो, आप जा सकते हो 18 साल के बाद। अभी आप कितने साल के हो? 6 साल के हो ना, अभी बहुत टाइम है। रख दो। चलो चाची जी, क्या कह रहा है ये? कह रहा है स्कूल जाऊंगा गाड़ी से। मेन रोड में तो चला ही नहीं सकता इसको। हाँ, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पुलिस आती भी नहीं है, सिर्फ गाड़ी आती है। तो सोसाइटी में ही चला सकता है बस। तो फिलहाल कुनाली और पीयूष जा चुके हैं स्कूल, चलो हम भी होते हैं फटाफट रेडी, नहाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो फिलहाल हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। सो मम्मी जी, पापा जी और मैं, हम 3 जने जा रहे हैं। ये है हमारा सामान, और साथ में कौन आ रहा है हमारे? जिया जी भी आ रहे हैं। तो चलो फिर चलते हैं, रखते हैं सामान गाड़ी में। जय श्री राधे। लेट्स गो। ओके, बाय बाय। तो निकल पड़े हैं, अब चलते हैं पहले जीजाजी के पास, उनको बिठाते हैं फिर जाएंगे साथ में। गाइस पहुंच चुके हैं। राधे, आ जाओ। तो अभी आ गए हैं पहले भरवाने के लिए पेट्रोल। देखो यहाँ पे आ गया ना साइन पेट्रोल का, पेट्रोल नहीं है इसमें। और यहाँ से शुरू हो चुका है हमारा पहाड़ का रास्ता, देखो यहाँ से ऊपर पूरा पहाड़ है। तो अभी हो चुका है टंकी फुल, अब दिखा रहा है, देखो ये चलेगी 447 किलोमीटर। और अब बैठ गए जीजाजी आगे। तो पहुंच चुके हैं भीमताल। तो अब बताएंगे हमारे जीजाजी कि भीमताल कैसे बना। भीमताल बना जब पांडवों को वनवास हुआ, तो वनवास काल में वो इधर आए थे। और इधर एक बार क्या हुआ कि उन्हें बहुत प्यास लगी पांडवों को, तो पानी कहीं पर भी नहीं मिला, तो भीम ने अपनी गदा मारी इस जगह पे जहाँ पर ये ताल है। तो उस भीम की गदा मारने से वो ताल उत्पन्न हुआ, तो उसी दिन से इसका नाम भीमताल रखा गया। हाँ। भीम द्वारा उत्पन्न किया गया। हाँ। तो हाँ गाइस, ऐसा मानते हैं कि भीम ने यहाँ पे गदा मारा था और फिर पानी आया था, इसलिए यहाँ पे ताल बन गया, इसलिए इसको भीमताल कहते हैं। बाकी पता नहीं क्या सच्चा क्या झूठा, बट हाँ ऐसा मानते हैं यहाँ के लोग और सब मानते हैं, है ना। नॉट गधा, गधा नहीं, गदा। ओके, गदा। तो पहुंच चुके हैं कैची धाम, जय हो नीम गोली बाबा की। तो गाइस यहाँ से है अल्मोड़ा 33 किलोमीटर, ये देखो। तो अराउंड 1 से 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे अल्मोड़ा, चलो। और टाइम हो रहा है 2:50। तो अभी गाइस रास्ते में रुके हैं कुछ खाने के लिए, ये देखो ये है रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे कुछ खाते हैं, सारे अंदर जा चुके हैं। तो हम खाएंगे यहाँ पे बैठ के, और ये देखो यहाँ से व्यू भाई क्या मस्त लग रहा है, नीचे है रिवर, तो बहुत ही मस्त लग रहा है। यहाँ पे देखो पीछे पूरा हरा भरा पहाड़ और मस्त हवा चल रही है, मजा आ रहा है ना जी आजी? बहुत 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 आनंद आनंद। नदियों का किनारा, ये हमारे पहाड़ की वादियाँ, देवभूमि उत्तराखंड, इसीलिए तो है ये। सही बात है, है ना। चलो कुछ खाते हैं, मंगाओ फिर। प्लेन पराठा, स्टफ पराठा, और मम्मी जी खाइए पकौड़े मंगाते हैं। तो खाना पीना हो चुका है, चलो करते हैं हमारा सफर कंटिन्यू। चलो जी चलो।
यहाँ से है अल्मोड़ा ओनली 2 किलोमीटर, तो बस पहुँच ही गए। तो हमें जाना है यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे है घर मामा जी का। और अभी टाइम हो गया है 4:47, तो अराउंड 5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। तो फाइनली पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा, गाड़ी को लगा दिया है पार्क, अब चलते हैं यहाँ से नीचे, वहाँ पे है हमारा घर नीचे वहाँ पे। पहुँच चुके हैं घर और सामने लव्बू दी। तो ये है मेरे मामा जी का घर, आपने देखा ही था शादी में। और विनय भी आ गया है, मेरे मामा का लड़का, बढ़िया। और अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए कसार देवी टेम्पल, जहाँ पर हम हमेशा जाते हैं, तो वहाँ चलते हैं घूम के आते हैं और फिर खाएंगे आते हुए थुप्पा, सबसे मेन चीज। तो मैं, लब्बूदी, जीजाजी और विनय और नन्नू, हम 5 जने जा रहे हैं घूमने के लिए, घूमने के लिए नहीं, मंदिर दर्शन करने के लिए। और लब्बूदी, कैसे चल रही है आपकी मैरिड लाइफ? मस्त चल रही है यार, मजा आ रहा है। गाइस, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि शादी हो चुकी है लब्बूदी की। हो गई शादी आपकी? हो गई? मुझे नहीं लग रहा। और ऐसे ही एक दिन विनय की भी हो जाएगी। तेरी भी होगी? नहीं, मेरी नहीं होगी, मैं करूंगा ही नहीं। गाइस, मैं शादी नहीं करने वाला, हमें सन्यासी, आपको पता है। शादी मतलब बर्बादी की शुरुआत। सही बात है, बर्बादी की शुरुआत शादी। गाइस, अभी निखिल भी आ चुका है, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो पहुंच चुके हैं, ऊपर है मंदिर कसार देवी, तो चलो चलते हैं दर्शन करने के लिए। जोर से बोलो जय माता दी। तो अब चलते हैं वापस घर, दर्शन करके भी आ चुके हैं। बाकी इतनी ठंड हो रही है ना यहाँ पे, बहुत ठंड, बहुत ठंड लग रही है भाई। बर्फीली हवाएं, बर्फीली हवाएं। गाइस, चारों तरफ हो चुका है कोहरा ही कोहरा, आपको दिख रहा होगा, और ठंड इतनी हो रही है ना, क्योंकि हम ना बिल्कुल टॉप पे हैं, ये मंदिर बिल्कुल टॉप पे है पहाड़ के। तो हाँ, यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंड लग रही है, लेकिन जो भी है मस्त लग रहा है भाई, क्या फील आ रहा है। गाइस, यहाँ पे आके ना इतनी शांति मिलती है ना हमेशा, इसलिए यहाँ पे जरूर आते हैं। तो अब चलते हैं खाने के लिए हमारा फेवरेट थुप्पा, चले चलो जी, चलो चलो चलो। तो हो चुकी है थुप्पा पार्टी, चलते हैं अब, चलो। गाइस, आपके लिए एक चीज, ये देखो, यू आर ब्यूटीफुल। तो पहुंच चुके हैं घर। तो गाइस, अब हम देख रहे हैं लब्बूदी की शादी की एल्बम, लब्बूदी सौरभ जोशी। तो स्टार्टिंग में फोटो है लब्बूदी और सौरभ जोशी की। अरे मम्मी मम्मी, चाची, जीजाजी, भैया, विनय, लब्बूदी और मामा मामी, मैं कहा हूँ भाई, अब आओगे ना? तो ये है महिला संगीत की फोटोज, मम्मी जी आ गई गाइस, देखो, गोलू दी, लब्बू दी, भाई मैं कहा हूँ भाई। अरे गाइस, अब आई देखो हमारी बड़ी फोटो, स्मार्टी बॉय, ये हल्दी की आ गई। गाइस, ये फोटो सेम मेरे इंस्टाग्राम पे भी है, आपने देखी होगी। तो ये आ गई मेहंदी, अरे वाह, मेरी आ गई दोबारा से। इसमें देखो, जिया जी भी हैं, मैं भी हूँ, भैया भी है, पीयूष, कुनाली, इसमें सब है। देखो यार, मेरे को लेकिन लग नहीं रहा आपकी शादी हो गई, लग नहीं रहा यार। दोबारा लगवाऊं? दोबारा 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 करोगे? मैं तो कर लूंगा यार, एक बार और है? मेरा मूड है सच्ची में, सही में। ये है विदाई की फोटोस, ये देखो लब्बूदी रो रही है फूट फूट के, खतरनाक। और लब्बूदी हो गई थी बेहोश। ओ भाई, ये देखो, ये देखो, ओ भाई पिताजी। तो हो गई खत्म एल्बम, चलो फिनिश। तो फिलहाल हो चुका है डिनर टाइम, चलो खाते हैं। तो अभी डिनर हो चुका है और अभी फिलहाल खड़े हैं बाहर, यहाँ चल रही है मस्त ठंडी ठंडी हवा, तो मजा आ रहा है। और भाई फुल शांति हो रखी है। गाइस, हम पता कहाँ पे है वैसे, हम जंगल के बीच में है ना, ये जंगल ही है। ये देखो पूरा जंगल है नीचे, आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का दिख रहा होगा। और वहाँ पे वो है सामने पहाड़ पे घर, दिख रहे होंगे आपको। और यहाँ पे बाघ भी आता है ना, टाइगर। अरे बहुत, लब्बूदी ने बाघ देखा है ना, बहुत। अबे तो, 3 दिन चाचा एक साथ देखे हमने। तो यहाँ पे ना रात को डर लगता है बाहर निकलने में, और शांति होती है ना बिल्कुल, आवाजें आती है रात को बाघ की। तो गाइस फिलहाल सब देख रहे हैं यहाँ पे शादी की वीडियो लैपटॉप में, ये देखो सब बैठ गए हैं मस्त करके। अरे हम आ गए, हम आ गए, भैया और मैं और पीयूष, कुनाली, चारों हैं। अरे वाह, तेरी शादी जल्दी होगी, अब तेरे को हल्दी लग नहीं होगी? मेरी हल्दी लग गई भाई, जिसको शादी में हल्दी लग के उसकी शादी होती है। नहीं नहीं, मेरी नहीं होगी।
भाई किसी को नींद नहीं आ रही क्या? तो अभी गाइस मैं आ गया हूँ दूसरे कमरे में, बिकॉज वहाँ चलने वाली है लेट नाइट तक वीडियो शादी की, तो वो चलती रहेंगी। हम फिलहाल चलो अब हमारा काम करेंगे, अब करेंगे हम एडिटिंग। तो चलो करते हैं इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड, बताएं कैसा लगा आपको। बाकी कल है राखी रक्षाबंधन, तो वो आप देखना नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय गाइस, गुड नाइट, बाय। गाइस देखो क्या स्मार्ट लग रहे हैं हम, जीजा जी और मैं दोनों आज। जीजा साले की जोड़ी। But feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time.